हेलो गाइस, मैं हूं संबित। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल बिट टेक पे। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपके फ़ोन की जो कीबोर्ड की जो लैंग्वेज होती है आप इसे कैसे चेंज करें। तो गाइस, अगर आपकी हिंदी है तो गाइस आप इसे इंग्लिश कर सकते हैं, या इंग्लिश है आप हिंदी कर सकते हैं, या कुछ और भी लैंग्वेज कर सकते हैं। तो गाइस आइए, मैं अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर आपको दिखाता हूँ। तो गाइस आ चुके हैं अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर। गाइस ये है कीबोर्ड। गाइस कीबोर्ड के अंदर आपको बहुत सारे जो ऑप्शन मिल जाते हैं लैंग्वेज चेंज करने के, क्योंकि गाइस मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस आइए अपने फ़ोन की सेटिंग पे चलते हैं, उसके बाद आपको बताता हूँ। तो गाइस आ चुके हैं फ़ोन की सेटिंग पे, उसके बाद आपको नीचे जाना है जो लैंग्वेज आज इनपुट पर गाइस आपको क्लिक कर देना है। तो गाइस ओके कर देते हैं। उसके बाद गाइस आपको जो यहाँ पर एंड्रॉयड कीबोर्ड पर आपको जो क्लिक कर देना है। तो गाइस इसके बाद आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा लैंग्वेज, गाइस इसके बाद आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आप जो लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके गाइस सिलेक्ट करने के बाद आप, तो गाइस सिलेक्ट करने के बाद चलते हैं अपनी फिर से वही। तो गाइस आ चुके हैं कीबोर्ड पे। तो गाइस कीबोर्ड पे यहाँ पर एक जो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है सिंपल सा, गाइस इंग्लिश से हिंदी हो जाएगा। गाइस ये हिंदी हो चुका है। तो गाइस उसके बाद कुछ भी लिख सकते हैं, उसके बाद इसको फिर से इंग्लिश जो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो गाइस इस तरह से आप जो अपनी कीबोर्ड की लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में बताना, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना। गाइस अगर हमारे नए चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार, पास में दिया हुआ बेल आइकन को जरूर दबा देना। तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और ऐसी रिलेटेड वीडियो हम बनाते हैं जैसे अपलोड करें आपके पास पहले पहुंचे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में।